अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि जो आपको मेडिसिन में एक्सरेज आते होते हैं, आपको पता है कि हमेशा एक स्टेशन एक्सरे का जरूर होता है। तो एक बेसिक अप्रोच बहुत जनरल से एक्सरेज की किस तरह से होती है, मैं वो वाली कहानियां नहीं सुना रही कि ये हो गया तो वो गया। मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जब आपको कोई भी चेस्ट एक्सरे आता है तो उसमें आपने, क्योंकि आपके पास जाहिर है एक एक्सरे आता है, तो सबसे पहले कहते हैं कि डिस्क्राइब द फाइंडिंग्स, व्हाट इज द डायग्नोसिस या डिफरेंशियल डायग्नोसिस, और कुछ ऐसी बात आपसे पूछे तो डिस्क्राइब द फाइंडिंग्स उसका पहला क्वेश्चन होता है। और उसी के तीन नंबर होते हैं, उसके बाद एक नंबर होता है डायग्नोसिस का। तो जाहिर है आपको फाइंडिंग्स में क्या डिस्क्राइब करना है, एटलीस्ट आपको अगर सही से एबनॉर्मलिटी नहीं मिल रही तो बाकी नॉर्मल चीजें तो आप डिस्क्राइब कर सके ना, इतना मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो ये वाली जो है बहुत ही बेसिक सी इसमें सारी बातें आई विल टेल यू जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। आई एम टेलिंग इट फॉर द मेनली अंडर ग्रेजुएट लेवल के हमारे यहाँ जो एग्जाम्स होते हैं, स्पेसिफिकली जब मेडिसिन का एग्जाम होता है फाइनल ईयर का, उसमें ऑस्पी का स्टेशन एक्सरे का होता है। तो इस ये जो भी वीडियो होगी ये 5-7-8 मिनट की, इसमें आपके वो सारे एक्सरेज ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे जो आते हैं, ठीक है। और आई विल टेल यू कि उसको आपने डिस्क्राइब द लीजन किस तरह करना होता है। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, आपको भी समझ आ जाएगा। ये जो लगा हुआ ये नॉर्मल चेस्ट एक्सरे है। पहली बात तो आप ये जहन में रखेंगे नॉर्मल चेस्ट एक्सरे में आपने देखना क्या क्या होता है, क्योंकि आपसे जाहिर है वो लोग पूछते भी हैं वाइवा में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब भी एक्सरे देखते हैं तो आप उस पर देखते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ पेशेंट एंड डेट क्या थी कि किस दिन एक्सरे हुआ, ठीक है। ये बात मत भूलना, एग्जामिनर को यही सुनना पसंद है। ये नहीं कहना आपने कि एक्सरे में आप सबसे पहले लंग फील्ड्स देखते हैं, ऐसा नहीं होता। होता एक्सरे में पहले आप देखते हैं कि आपने जिस पेशेंट का उठाया है, जिस पेशेंट का आप एक्सरे देख रहे हैं, क्योंकि हमने क्लिनिकली बात करनी होती है क्लिनिकल अप्रोच के हिसाब से। तो जिस पेशेंट का आपने एक्सरे उठाया क्या उसी पेशेंट का है भी या नहीं, फॉर दिस पर्पज एक्सरे के ऊपर जो नाम लिखा होता है और डेट लिखी होती है वो आपने देखनी होती है। तो फर्स्ट थिंग टू सी इज नेम ऑफ द पेशेंट एंड डेट किस दिन हुआ। उसके बाद दूसरी चीज आपने देखनी होती है कि ये व्यू कौन सा है, ठीक है। नेम एंड डेट देखने के बाद ये व्यू कौन सा है एक्सरे का। आई एम 100% टेलिंग यू कि वैसे तो व्यूज में तीन मेजर व्यूज होते हैं, एक तो एपी व्यू होता है एंट्रोपोस्टीरियर, एक पोस्ट्रो एंटीरियर यानी पीए व्यू, और एक लैटरल व्यू ऑफ एक्सरे होता है। जो जितने भी एक्सरेज अंडर ग्रेजुएट लेवल पे यानी फाइनल ईयर के जो एग्जाम्स में या फिर अगर उससे पहले किसी के एग्जाम में रखे जाते हैं तो वो सारे के सारे तकरीबन पीए व्यू होते हैं। क्योंकि देखिए लैटरल व्यू और पीए को तो फर्क करना बहुत आसान है। लैटरल व्यू में तो आपको साइड से चीज नजर आ रही थी, वो तो होता ही बिल्कुल डिफरेंट है, और शायद 0.1% चांस हो कि लैटरल व्यू आ जाए, वरना कभी भी नहीं आता। और जो इस तरह वाला व्यू होता है उसमें हमेशा जो जनरली एक्सरे होता है वो भी पीए व्यू होता है, ठीक है, पोस्ट्रो एंटीरियर व्यू, और हमेशा एग्जाम में पीए व्यू ही रखा जाता है, एपी कभी नहीं रखते, ठीक है। एपी सिर्फ उन पेशेंट्स का किया जाता है जो बेड रिडन होते हैं, उठ नहीं सकते, और वरना एपी अवॉइड करते हैं। और उसके डिफरेंट रीजंस होती हैं कि पीए में पीछे से जो है वो आपका आगे बहुत सारा सॉफ्ट टिश्यू ओमिट हो जाता है और चेस्ट फील्ड जो लंग फील्ड्स हैं वो ज्यादा क्लियर नजर आती है, इस वजह से पीए इज प्रेफर्ड। तो बहरहाल आपने सोचे समझे बगैर भी अगर पीए लिख देंगे ना पोस्टर इंटीरियर व्यू, तो मैं कहती हूँ कि इट्स 99.9% कि आपका ठीक होगा। उसके बाद ना नॉर्मली चेस्ट एक्सरेज पे कई दफा लिखा हुआ भी होता है, किसी एक तरफ एल लिखा हुआ होता है, आपने नोट किया होगा, तो वो लाजमी आप देख लेना, तो उससे आपको अंदाजा होता है कि सीधा उल्टा क्या है। अगर एक्सरे के ऊपर और कुछ नहीं लिखा हुआ, आपको ऐसे नहीं पता चला, तो आप देख लें कहीं ना कहीं कुछ लिखा हुआ है। एल अक्सर लिखा होता है, एल इज द लेफ्ट साइड, तो जिस तरफ एल सीधा होगा जाहिर है वो आपकी आपके सामने वाली साइड होगी। और जो पीए व्यू जब भी आप देखते हैं ना, तो कोई भी आपकी जितनी भी इमेजिंग मोडालिटीज है सारी आप समझ लें कि मिरर इमेज होती है। जो मुझे मेरी राइट साइड पे नजर आ रही है ये वाली चीज मेरे राइट हैंड साइड पे, दिस इज द लेफ्ट लंग, और ये लंग मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, दिस इज द राइट लंग। एक जनरल रूल याद कर लें, चेस्ट एक्सरे में भी यही है, सीटी स्कैन में भी यही है, एमआरआई में भी यही है, कि आपने बस ये याद रखना है कि आपकी उल्टा होगा आपसे, ठीक है। इफ आपका जो राइट हैंड है वो लेफ्ट होगा और आपका जो लेफ्ट है वो राइट होगा, अगर आपने एक्सरे सीधा पकड़ा है। उसके लिए एक्सरे को सीधा पकड़ना जरूरी है। अब यहां पर इस एक्सरे पे चलो ये तो पिक्चर है ना, यहां पर एल भी नहीं लिखा हुआ उन्होंने, ठीक है। मुझे 100% कंफर्म है कि ये जो ये वाला लंग है दिस इज द लेफ्ट लंग, क्योंकि इधर मेरा राइट हैंड है, और ये लंग इज द राइट लंग क्योंकि इधर मेरा लेफ्ट हैंड है। अब ये तो हमने देख लिया, व्यू भी देख लिया, उसके बाद हमने देखनी होती अगली चीज द लंग फील्ड्स। लंग फील्ड्स क्या है, ये और ये, ठीक है। यहां पर बायलैटरली क्लियर लंग फील्ड्स है, कोई ओपेसिटी नहीं है, कोई मास नहीं दिख रही, कोई हाइपरडेंस या हाइपोडेंस एरिया नहीं दिख रहा हमें, ठीक है। तो दीज आर द क्लियर लंग फील्ड्स। लंग फील्ड्स देख ली, मैं भी आपको बताती हूँ कि कॉमेंट आपने किस किस तरह करने हैं। अच्छा, अपने पास लिखते जाना बारी बारी क्या देखते हैं लंग फील्ड्स में आपने, उसके बाद जो मजीद गौर कर लिया थोड़ा सा वो इन एंगल्स पे कर लिया। ये जो एंगल बन रहा होता है इसको हम कहते हैं कॉस्टोफ्रेनिक एंगल, जो कि आपके ये लंग का बन रहा होता है इस डायफ्राम के साथ, ठीक है। कॉस्टोफ्रेनिक एंगल, ये आपको पता है ना, दिस इज द डोम ऑफ डायफ्राम, ये जो आपको नजर आ रहा है व्हाइटिश बॉर्डर जहां पर शुरू हो जाता है डोम ऑफ डायफ्राम है कॉस्टोफ्रेनिक एंगल। और ये वाला जो एंगल बन रहा होता है ये होता है कॉस्टो कार्डिक एंगल, ठीक है, क्योंकि ये आपका हार्ट के साथ बन रहा है।
अच्छा आपने लंग फील्ड्स देख रहे हो, आपने एंगल्स वॉर से थोड़े देख लिए लंग फील्ड्स के साथ ही। उसके बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज योर हार्ट। आप हार्ट देखते हैं और हार्ट का साइज बताते हैं, या आपको हार्ट का शेडो नजर आ रहा है। एक्सरे किस तरफ से, कौन सा लेफ्ट, कौन सा लंग आपका राइट और कौन सा लेफ्ट है, इसको देखने का एक और बहुत आसान तरीका ये होता है कि जिस तरफ हार्ट ज्यादा है, नॉर्मली हमें जाहिर डेक्स्ट्रोकार्डियो वाला तो एक्सरे बहुत कम होता है कि दे दें, जिस तरफ ये हार्ट का आपको निकला हुआ मुंह नजर आ रहा है वो लेफ्ट साइड होगी। सिंपल सी बात है, ठीक है, और कोई बात मुश्किल है ही नहीं। हार्ट को जिस तरफ मुंह है वो लेफ्ट लंग है। तो हार्ट आपने देखना है, हार्ट का साइज जो है वो नॉर्मली होना इस तरह चाहिए कि आप ट्रांसवर्स डायमीटर मेजर करते हैं हार्ट का, ठीक है, ये वाला ट्रांसवर्स डायमीटर। और फिर आप ये जो आपका वाइडेस्ट एंगल होता है ना लंग फील्ड का, एक कॉस्टोफ्रेनिक एंगल से लेकर दूसरे कॉस्टोफ्रेनिक एंगल तक, ये ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ योर लंग्स मेजर करते हैं। तो जो हार्ट का डायमीटर है इट इज ऑलमोस्ट 50% या लेस देन 50% ऑफ द टोटल डायमीटर ऑफ योर लंग्स। मतलब अगर मेरे पास लंग्स का डायमीटर 100 आया है, 100 मिलीमीटर सपोज कर रही हूं, तो जो हार्ट का होना चाहिए ट्रांसवर्स वो 50 और 50 से थोड़ा सा कम होना चाहिए। अगर 50 से ज्यादा है, यानी 50% ऑफ लंग्स के डायमीटर से ज्यादा है, तो फिर इसका मतलब है कि कार्डियो में गैली हुई है, हार्ट का साइज बड़ा है। तो यू हैव टू आपने ये बात बोलनी होती है कि ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ हार्ट इज नॉर्मल एंड कार्डियोथ्रेसिक रेशियो इज ऑल्सो नॉर्मल। कार्डियोथ्रेसिक रेशियो इज कार्डिक डायमीटर डिवाइडेड बाय टोटल थ्रेसिक डायमीटर, जो कि 0.5 से कम होनी चाहिए वैल्यू, 0.5 या उससे कम, ठीक होगी बात। आपने लंग फील्ड्स, एंगल्स एंड हार्ट देख लिया। हार्ट के बाद आप देख लेते हैं हार्ट में ही कि दोनों तरफ के हार्ट के बॉर्डर्स क्लियर कट नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये एक राइट हार्ट बॉर्डर है इसका, ये लेफ्ट हार्ट बॉर्डर है। अगर ऐसी पैथोलॉजीज हो जाए कि हार्ट का कोई भी बॉर्डर ऑब्स्क्योर हो जाए, चाहे वो राइट है, चाहे वो लेफ्ट है, चाहे वो एओर्टिक नकल है, ये आपको जो नजर आ रही है ना उभरी हुई चीज, ये एओर्टिक नकल होती है, ये वाली, ये छोटी सी, ठीक है, एओर्टिक नकल, या हार्ट का कोई भी बॉर्डर अगर ऑब्स्क्योर हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कि दैट हार्ट, मतलब सपोज मैं कहती हूँ राइट साइड पे ओपेसिटी है, मैं कहूंगी राइट हार्ट ऑफ राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट इज नॉट विजिबल एंड सिल्वर्ट साइन इज पॉजिटिव ऑन राइट साइड। सिल्वर्ट साइन, SILLHOUEEE जो होता है, ठीक है, शायद स्पेलिंग में मेरी थोड़ी सी गलती है, लेकिन जो सिल्वर्ट साइन है ना वो ये कहते हैं कि जब भी लंग की किसी एबनॉर्मेलिटी की वजह से चेस्ट एक्सरे पे आपको हार्ट का कोई भी बॉर्डर या एओर्टा क्लियर ना नजर आए, आप उसको ना देख सकें कि हार्ट का बॉर्डर कहाँ शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ए सिल्वर्ट साइन। सिल्वर्ट साइन कैन बी ऑन राइट साइड, कैन बी ऑन लेफ्ट साइड, ठीक हो गया, ये भी हमने देख लिया। उसके बाद आपने देख लो थे एओर्टिक नकल, ये ठीक है कि नहीं आपको नजर आ जाती है। देन आपने देखना है ट्रेकिया, ये आपको नजर आ रही है यहाँ पर ट्रेकिया, ठीक है, ट्रेकियल रिंग्स आपको नजर आते हैं, ये तो वर्टेब्रल कॉलम्स है ना, इसके पीछे आपको जो ब्लैक कलर की एयर पड़ी हुई होती है ना ट्रेकिया में, तो जो ब्लैकिश सी लाइन है ना, दिस इज योर ट्रेकिया। तो अभी देखिए ट्रेकिया सेंट्रल है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंडीशन है जिनमें शिफ्ट हो जाता है। आपको पता है कि जितनी भी कंडीशन होती है जिनमें लंग पैरेन्काइमा के अंदर डिजीज हो रही होती है, सपोज आपकी फाइब्रोसिस हो रही होती है, कंसोलिडेशन हो रही होती है, फाइब्रोसिस मेनली, वो ट्रेकिया को अपनी तरफ खींच लेती है, ठीक है। फाइब्रोसिस है ना एक चीज अकड़ी है, अकड़ते हुए, ये देखें एक चीज अकड़ी है, अकड़ते हुए उसने ट्रेकिया को अपनी तरफ खींच ली है, ऐसे याद रखें। और जिन चीजों में प्लूरा में कुछ ना कुछ भर जाता है, सपोज हम कहते हैं निमोथॉरिक्स हो जाता है, हाइड्रोनिमोथॉरिक्स हो जाता है, प्लूरल फ्यूजन हो जाता है, कुछ भी प्लूरा के अंदर आके भर गए, तो जरा इधर इतनी ज्यादा जगह आ गई है, तो ये चीजें धक्का दूसरी तरफ दे देंगी ट्रेकिया को। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेकिया के शिफ्ट होने के कॉजेज क्या है। ट्रेकिया देख लिया, जनरली आपने मीडियास्टिनम देख लिया कि पूरा मीडियास्टिनल शिफ्ट तो नहीं है, ठीक है, वो भी ऐसे ही नजर आ जाता है। और एंड में आप देखते हैं ये डायफ्राम के दोनों लोब्स को आपने गौर से देखना है कि वो ऊपर से ऐसे दोनों कनकेव हैं कि नहीं, क्योंकि डायफ्राम के लोब्स नीचे चले जाते हैं और हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं जब पेशेंट को एम्फाइजेमा होता है, मैं भी आपको बताऊंगी वो क्या होता है। तो डायफ्राम के दोनों लोब्स, जो लेफ्ट लोब है वो स्लाइटली अपर होता है देन राइट लोब, ज्यादा फर्क नहीं होता, और उसकी रीजन ये होती है कि लेफ्ट साइड पर लिवर होता है, तो इससे थोड़ा सा डायफ्राम ऊपर होता है, लेकिन इतना कोई खास फर्क नहीं होता। और आखिर में आप देखते हैं सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यूज इधर तो इतने कोई खास इस तरह नजर नहीं आ रहे होते आपके एक्सरे में। वर्टिब्रा, ये जो रिब्स है ना, रिब्स को काउंट करने का कोई कहता नहीं आपसे, देखिए जरूर कि रिब्स नजर आ रही होनी चाहिए, लेकिन कोई काउंट करने का कहता नहीं है। सॉफ्ट टिश्यूज फीमेल में इंपॉर्टेंट है, जो ब्रेस्ट का सॉफ्ट टिश्यू शेडो आता है वो थोड़ा बहुत आता है, वरना इतना कॉमन नहीं है। अब थोड़ी बहुत अगर पैथोलॉजी आ जाए तो आपने किस तरह, अब अगर नॉर्मल चेस्ट एक्सरे को कोई कहेगा ना एक्सप्लेन करने का, तो उसी में आप चेंज कर लें। नॉर्मल चेस्ट एक्सरे को मैं कहूंगी कि आई हैव गिवन एन एक्सरे ऑफ अ मेल पेशेंट ऑफ दिस नेम, ठीक है, जाहिर है अगर मेरे पास नाम होगा, दिस इज द एक्सरे ऑफ मिस्टर अली टेकन ऑन 29th of September 2021। एक्सरे इज पीए व्यू, ठीक है, पोस्टर इंटीरियर व्यू है, देन उसके बाद इट कंसिस्ट्स ऑफ बायोलैटरली क्लियर लंग फील्ड्स विद नॉर्मल अपेयरिंग कॉस्टोफ्रेनिक एंड कॉस्टोकार्डिक एंगल्स।
द हार्ट डायमीटर इज नॉर्मल एंड कार्डियोथोरेसिक रेशियो इज लेस देन 0.5। उसके बाद आई विल से के देयर इज नो सिल्वेट साइन, वैसे कहते नहीं होते लेकिन अगर पॉजिटिव हो तो आपने बताना है। ट्रेकिया इज सेंट्रल एंड द डायफ्राम अपीयर्स टू बी नॉर्मल, देयर इज नो बिडनी एक्सटर्नल शिफ्ट एंड देयर आर नॉर्मल सॉफ्ट टिश्यू शेडोज। ठीक है, तो ये हो जाता है एक नॉर्मल एक्सरे जिसमें मैंने स्टेप वाइज सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। यहीं पर आप बीच में एबनॉर्मेलिटी ले आएंगे, सो सिंपल। देखते हैं, ये देखिए पहली एबनॉर्मेलिटी, मोस्ट कॉमनली आने वाली एबनॉर्मेलिटी, यहां पर आपको क्या नजर आ रही है, कोई हेजीनेस सी है। ठीक है, ये आपको इधर थोड़ा थोड़ा हेजी अपीयरेंस नजर आए, दिस इज कॉल्ड एज कंसोलिडेशन। नमूनिया में जो होती है ये बहुत कॉमनली आते हैं आपको, तो आसानी इसलिए कि आपके पास सात सिनेरियो भी आते हैं। वो कहते हैं कि पेशेंट प्रेजेंटेड टू यू विद एक्यूट एपिसोड ऑफ टू डेज हाई ग्रेड फीवर है, कफ है साथ, पेशेंट को कफ विद स्प्यूटम है और आपको प्रेजेंट किए चेस्ट एक्सरे में आपको ये नजर आए, दो दिन की हिस्ट्री है, हाई ग्रेड फीवर है और स्प्यूटम के साथ कफ है, तो नमूनिया के अलावा और कुछ भी होना बहुत लेस लाइकली है। और ये जो आपको क्लियर पिक्चर नजर आ रही है ये भी नमूनिया की ही है। ठीक है, तो आपके जो डायग्नोसिस होते हैं उसमें आप नमूनिया लिखते हैं, और जब आप इसको कहेंगे कि डिस्क्राइब द लीजन, तो लीजन में आपने बताना है कि दिस इज द पोस्टर इंटीरियर व्यू ऑफ अ चेस्ट एक्सरे ऑफ फलाना पर्सन कंसिस्टिंग ऑफ होमोजीनियस कंसोलिडेशन या होमोजीनियस ओपेसिटीज इन द लेफ्ट लोअर एंड स्लाइटली मिडल लोब ऑफ द लंग। ठीक है, या फिर कह दे के लोअर एंड मिडल जोन्स ऑफ द लेफ्ट लंग शो होमोजीनियस ओपेसिटी या कंसोलिडेशन। अब देखिए पैची तो नहीं है ना, ये होमोजीनियस ओपेसिटी है, सारी व्हाइट जगह हुई हुई है। ठीक है, तो दो लफ्ज ही होते हैं, या तो पैची इन्फिल्ट्रेट्स होते हैं या होमोजीनियस होते हैं, तो दीज आर होमोजीनियस ओपेसिटीज। ओपेसिटी भी कह सकते हैं, कंसोलिडेशन भी कह सकते हैं, कोई बात मसला नहीं है। एंड उसके साथ आप कहेंगे कि कार्डिक शेडो अपीयर्स नॉर्मल, क्योंकि देखिए इधर कार्डिक बॉर्डर आपको नजर आ रहा है और रेस्ट जो मैंने आपको बताई थी कि ट्रेकिया इज सेंट्रल, राइट लंग फील्ड इज टोटली नॉर्मल और देयर इज नो मीडियास्टिनल शिफ्ट। ठीक है, डायफ्राम कॉस्ट्रोफ्रेनिक एंगल इज विजुअल ऑन राइट साइड एंड लेफ्ट साइड पे भी थोड़ा सा आपको नजर आ रहा है, थोड़ी सी भी चीज नजर आ रही होती तो आप उसको विजुअलाइज करते हैं। आपको मसला क्या है, पेशेंट को नमूनिया, दैट्स इट। आप दो तीन और एक्सरेज भी देखेंगे आपको कन्फर्म हो जाएगा, ये कर दिया हमने। अब ये देख लें, ये वाला एक्सरे में आपको क्या नजर आ रहा है, एक सेकेंड, आप ये भी देखें और ये भी। ठीक है, अब देखिए ये वाले एक्सरे में भी आपको ऑलमोस्ट लग रहा होगा कि ये उसी से मिलता जुलता है, क्योंकि इसमें भी ये सारा का सारा एरिया व्हाइट हुआ है। लेकिन अब आपने एक बात याद रखने के सिनेरियो में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ये वाला जो पेशेंट है इसका एक्सरे इस तरह से डिफरेंट है कि देखिए अब यहां पर आपको कॉस्ट्रोफ्रेनिक एंगल नजर आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा। ऊपर वाले में आपको कॉस्ट्रोफ्रेनिक एंगल नजर आ रहा था, ठीक है, यहां पर आपको कार्डिक शेडो नजर आ रहा है, बिल्कुल ऑब्सक्योर्ड है यहां पर, सॉरी ये नीचे चली गई, यहां पर आपको कार्डिक शेडो आराम से नजर आ रहे हैं। ठीक हो गया, उसके बाद यहां पर देखें एक बकायदा ऐसे कनकेविटी बनी हुई है, ऐसा लग रहा है कि ये जो फ्लूइड है ये या फिर ये जो व्हाइट एरिया है ये ज्यादा बॉर्डर की तरफ जा रहा है इधर इधर। ठीक है, जबकि इस वाले में देखें तो ऐसा लग रहा है कि यहां पर बल्कि हेजीनेस कम है और इस जगह ज्यादा है, ऐसा ही है ना, बॉर्डर पे हेजीनेस थोड़ी कम है इधर ज्यादा है, इसमें बॉर्डर पे भी इतनी ज्यादा हेजीनेस है। तो ये जो एक्सरे होता है ना ये टिपिकल होता है प्लूरल इफ्यूजन का, प्लूरल इफ्यूजन के साथ कभी भी ऐसी हिस्ट्री नहीं होगी पेशेंट की कि वो सडन हाई ग्रेड फीवर के साथ आएगा। प्लूरल इफ्यूजन या तो निमोनिया के बाद हो रहा होता है या फिर पेशेंट को अगर स्पॉन्टेनियस प्लूरल इफ्यूजन हुआ भी है तो कोई ना कोई चीजें होती है, टीबी के बाद होता है, निमोनिया के बाद होता है, किसी एक्सरे सॉरी कैंसर के बाद हो जाता है, तो पेशेंट की हिस्ट्री थोड़ी डिफरेंट होती है। तो ये जो टिपिकल एक्सरे होता है ना ये प्लूरल इफ्यूजन का है। प्लूरल इफ्यूजन को आपको डायग्नोस करने का तरीका यही होता है कि आपका एक तो हो सकता है उनने स्टोनी डल नोट आपका बता दिया ऊपर क्वेश्चन पे, तो आपको कंफर्म हो जाता है प्लूरल इफ्यूजन है। दूसरी बात, आपका बिल्कुल भी कॉस्ट्रोफ्रेनिक एंगल ऑब्लिटरेटेड होगा, सिल्वर्ट साइन पॉजिटिव होगा, हार्ड बॉर्डर नजर नहीं आ रहा और ऊपर से कनकेविटी बनी हुई होगी। ठीक है, जो चीज आपको व्हाइट बिल्कुल होमोजीनियस व्हाइट है, नीचे से पानी है ना, बिल्कुल होमोजीनियस व्हाइट, यहां पर फिर नीचे ली हूं, यहां पर स्लाइट हेजीनेस सी है। ठीक है, यहां पर होमोजीनियस व्हाइट, जो आपको होमोजीनियस व्हाइट नजर आए ऐसे करके कनकेविटी बनी हुई हो जो पेरिफ्री की तरफ ज्यादा जा रही है, कार्डियोफ्रेनिक और कार्डियोथोरेसिक रेशियो बिल्कुल गायब, सिल्वर्ट साइन पॉजिटिव, दिस इज प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, और यही फाइंडिंग्स है जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, कि देयर इज होमोजेनियस व्हाइट ओपेसिटी ऑन द राइट लंग लोअर जोन लोब्स, कभी भी नहीं कहना लोब्स, आपको लैटरल व्यू पे नजर आते हैं, जो फ्रंट या एपी व्यू पे या पीए पे नजर आते हैं वो जोन होते हैं। ठीक है, लोअर जोन ऑफ राइट लंग। एंड उसके साथ आपने कह देना है कि पेशेंट को प्लूरल इफ्यूजन है डायग्नोसिस में। ठीक है, और सिल्वर्ट साइन पॉजिटिव है, देर इज कनकेव अपर मार्जिन ऑफ द ओपेसिटी, ये आपने साथ बता देना, मतलब बिल्कुल लीजन को डिस्क्राइब कर दिया हमने, नथिंग एल्स। ये भी प्लूरल इफ्यूजन का, प्लूरल इफ्यूजन आगे इधर इस तरफ, ये वाला आप देखें, आप ऊपर से फिर से कनकेव है, होमोजीनियस सारा का सारा एरिया, सिल्वर्ट साइन पॉजिटिव ऑन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड पे सिल्वर्ट साइन पॉजिटिव,
देयर इज होमोजीनियस ओपेसिटी या होमोजीनियस ओपेसिफिकेशन ऑन राइट लंग कवरिंग द लोअर जोन एंड द मिडल जोन. उसके साथ है कनकेव मार्जिन ऑफ द ओपेसिटी ऑन इट्स अपर साइड एंड दिस इज सिल्वर साइन इज पॉजिटिव ऑन द लेफ्ट साइड, नो ट्रेकियल शिफ्ट, सो दिस इज द रिफ्यूजन ऑफ द लेफ्ट साइड. बाकी अगले पार्ट में कहते हैं किसी कोई मसला है कि ना सुन. थैंक यू.